हेलो एवरीवन, घर आने के बाद मेरा फर्स्ट व्लॉग मायके से आ चुकी हूँ। एंड कहीं भी अगर जाना हो ना तो पहले बच्चों की तैयारी करनी पड़ती है एक माँ को। इनके लिए मैंने कपड़े निकाल दिए हैं। हैरी को आज मैं पहनाने वाली हूँ ये ड्रेस। हैरी उधर छुपक के देखो, चौथे विषभ को कहा चांद कोई ढलता है। चलो आओ कपड़े फिराओ। धूप का लेवल आते से इतना तेज हो रहा है और इस धूप में कोई घूमने कैसे जाएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे पहले झाड़ू लगानी है। इनके शूज, कभी इनका हैंकी, कभी इनका चश्मा, कभी इनकी कैप, यही करते करते अश्मित जी और मैं परेशान हो गए। और है हैरी, विशु तो आप तो हैंडसम लग रहे हो। क्या हुआ? अच्छा बताओ। दूसरा सूज अभी रास्ते में पहनाएंगे। चलो इनका ये सब करने में ना मेरी हालत देखो आप। जिगजैग मांग निकाली थी आज, मैं खुद जिगजैग बन गई हूँ। यहाँ की गर्मी सर्दी का कोई भरोसा नहीं, पहले दवाई खा लो आराम से। इस बच्चे की ना पर्सनैलिटी अलग है। इसको सूज क्या पहनना है? क्या तो खा लो और चाहिए भाई, अब क्या करें। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं अहमदाबाद और भीषण गर्मी हो रखी है। इस बच्चे का तामझाम मेरे हाथ में ही है। कहाँ जा रहे हो? कपड़े दिखा दो अपने। ओ वाह, कैसा स्टाइल? इतनी धूप में स्टाइल मारो आप। ओ वाह, जोरदार तालियां इस सेलिब्रिटी के लिए। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। रॉकेट मतलब एरोप्लेन। अच्छा रॉकेट। ओह अच्छा, ट्रेन कैसे जाती है? ट्रेन अच्छा ऐसे कैसे? ओ भाई साहब, इतनी देर से रॉकेट बोल रहा था। गाइस से बड़ी मुश्किल से चश्मा और ईयर हैंकी पहनाया। बस तो पहले हम गाड़ी फुल करा रहे हैं अपनी। जब गाड़ी यहाँ पे रुकी ना, मेरी सांसें ही फूल गई भाई। चाय तो नहीं पर पानी पी के चलेंगे, हाल बुरा हाल हो गया है। थोड़ा सा आ गए और भैया मुँह इतना सूख रहा है ना, मन ऐसा कर रहा है पूरी बॉटल मैं ही पी जाऊँ। पहले पी लेते हैं। चश्मों की दुकान है, इसमें डर गए, दूसरी बोतल भी ले ली बच्चों के लिए। सोचा कि मम्मी ना पीता है कि सारा पानी है। अरे गम्मी पूछ लो। क्या? सो गाइस, जिस काम से आए थे वो काम हमारा यहीं पे है। एक्चुअल में हम आए थे वॉच देने के लिए। अश्विन जी जा चुके हैं, बाकी मैं आपको बताती हूँ बाद में। ये लड़का यहाँ पे छो गया हीरो की तरह। हैरी के पापा कहाँ गए? भाई ये वाली बिल्डिंग देखो, आपको आपको याद दिला रही होगी ये, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मूवी की तो दिला रही होगी। वायरी देख लो, दोनों की लड़ाई में चश्मा टूट गया। अश्विन जी को ऊपर गए हैं ना, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है और इन बच्चों ने ना जो लड़ाइयाँ शुरू कर दी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखो देखो, ये छोटे तो अपना चश्मा छुपा रहा है। भाई का चश्मा दे दो, तोड़ दिया ना। और मट्टी में डाल रहा है। गया
ये क्या क्या हुआ था, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी? चल ही नहीं रही थी भाई। कहाँ से मंगाई थी? तो हुआ क्या था? पता नहीं, चल ही नहीं रही थी। ए झूठ मत बोलो, फ्लाइट में स्विच ऑफ नहीं करा? अरे चल नहीं रही थी यार। बस सब बताया तुम्हारी बीवी को। ये कहाँ लगा दिया, एक घंटा बिल्कुल? इसीलिए तो लेके नहीं गया तुम्हें मैं, तुम्हारा बोल पड़ते तो। एक घंटा लगा दिया आपने, पता है? अपने फैमिली को तो बताऊंगी मैं, गाइस को तो बताऊंगी क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, पर तुम्हारे फोन में, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी डाउन। इन्होंने देख लो क्या क्या किया यहाँ पे, जूते वूते गंदे कर दिए क्या साले। देखे मीशू कैसा लग रहा है, चलो हीरो। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं अल्फा वन मॉल, और अभी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हुआ कैसे कैसे हुआ। वाओ लोकेशन कितना प्यारा लग रहा है यार, क्या सुकून मिल रहा ना यहाँ पे, ठंडा ठंडा फील हो रहा है यार। काश पूरी सड़क ऐसी होती। सो गाइस अश्विन जी ने अमेजोन से मंगाया था घड़ी, एंड उसके बाद क्या हुआ, फ्लाइट में अश्विन जी आए हरिद्वार, वहाँ आके क्या हुआ, स्कैनिंग मशीन होती है ना, वहाँ पे पता नहीं क्या इशू हुआ, अश्विन जी की वॉच खराब ही हो गई। क्या पूछने ना, ख़राब हो गई। तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, कभी फ़्लाइट वगैरह में अगर आप ट्रैवल करते हो ना, तो अपना फ़ोन वॉच और भी जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं ना, स्विच ऑफ कर दें। इससे क्या होगा ना, आपकी चीज़ भी बची रहेगी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। हमारा हैरी ना कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है, विशु तो कर रहा था, विशु करके दिखा रहा है एक्शन। अरे वाह, पापा के फ़ोन में तो विशु अच्छा लग रहा है अर्जुन जी। ये कहाँ ले जा रहा है अपने पापा को, हैरी भागो। सो गाइस ये है अल्फा वन मॉल, एंड अभी बच्चे बोल रहे हैं आइसक्रीम खानी है पता नहीं, और हैरी और अश्विन जी तो आगे निकल गए, विशु देखो इन भैया के पीछे जा रहा है। अगर उसको बोल दिया ना ये करने के लिए, अभी डर जाएगा, क्योंकि पिछली बार करवाया था ना तो नहीं किया था, डर डर के किया था। तो ये अभी अश्विन जी का फ़ोन है, जो ये काला काला सा आपको दिख रहा है ना, अश्विन जी के फ़ोन से सारा शूट हो रहा है ये। क्लिक करो ओके। गाइस ये आ चुका है हमारा जूस, हरी खाना है। सो गाइस ये है मोहितो, और इसको मैं पीने वाली हूँ। बच्चे तो बच्चे, पति भी बेवफा निकले मेरे तो। ये देख रहे हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा है, अब मुझे कोल्ड ड्रिंक डालनी पड़ रही है वो पत्तों को ऊपर करने के लिए। हे भगवान, अश्विन जी अब मैंने इसमें कोल्ड ड्रिंक डाल दिए। वाओ राधे राधे, कितनी सुंदर मूर्ति है। ये था मुंबई स्टोर, वाओ यार क्या चीज़ें है ना। और अश्विन जी गुस्से में, वहाँ पे क्या करोगे? पापा जा रहे हैं कीमती सामान लेने। तो मैगी से अभी हम आ चुके हैं बर्गर की, ऑर्डर कर दिया है, एंड हम लोग सब बैठ चुके हैं। वाओ यार यहाँ पे बैठने के बाद जो मज़ा आया ना, विशु आपका लिए क्या आ रहा है? अरे आपके लिए ऑरेंज आइसक्रीम। उन्होंने मुझे इमेज भी दिखाई ना, आइसक्रीम बर्गर फ्रेंच फ्राइज। हैरी क्या पिएगा, क्या लेगा हैरी? हाँ आइसक्रीम के लिए कैसे खड़ा हो गाइस। ये फ्रेंच फ्राइज अच्छे तो लग रहे हैं, पर बच्चे नहीं खाएंगे। ये दो बर्गर है, इनकी तबीयत ख़राब है मिस्टर की, और पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। और आँखें देखो कितनी बड़ी बड़ी दिखा रहे हैं भाई, किसी को पता ना चले इनकी हरकतों का। और इसको भी बुखार है 102, और ये क्या खा रहा है, आइसक्रीम। ये और ये बिल्कुल ठीक है। ये कैसे कर रहे हैं? यहाँ का ये कैफ़े आप देख रहे हो ना, कितना बड़ा है यार। विशु आपने तो मम्मा की भी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी सारी। तो गाइस एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई, पता है क्या, मेरी कैब अश्विन जी की तबीयत ख़राब हो रखी थी कल, इनको बुखार था ठीक है, इनको ड्रिप भी लगी थी, और ये वैसे ही नहीं घूम रहे,
मैं आपको बता देती हूँ, इनकी तबीयत खराब थी इसलिए घूम रहे हैं। एंड ये तबीयत खराब खराब के साथ साथ सोच रहे हैं वो देखो वाओ देखो ड्रेस करके दिखाते हैं ऐसे करके, ये देखो ज़ूम करके, ये देखो सो ये छुट्टी करने वाले नहीं है, विशु की छुट्टी पड़ी हुई है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना तबीयत खराब के साथ साथ अपना वॉच का काम भी निपटा लिया जाए। बहुत तेज हो आप। और अभी विशु को मन है ये करने का, देखते हैं विशु कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय जय गाय माता जी। रात से लाइट नहीं आ रही है, बर्गर खिचड़ी खाने के बाद आप देखोगे दूध तो मैंने इसी कमरे में रख रखा है। एंड अश्मी जी गए थे मार्केट तो लेके आए हैं तरबूज और ये भी ले आए और तोरी। वाह वाह, तोरी देख के तो मेरा दिल खुश हो गया। एंड धनिया लिया है मेरा फेवरेट, और ये आ गया चिप्स, एंड साथ में आ गया हमारा ढोकला और ये पकौड़ी, एंड ये ढेर सारी चटनी। रात बर्गर खाया है तो सब बर्तन अभी ऐसे ही है। मैं फ्रेश हो गई हूँ, सिलेंडर आ गया है, एक हमारा नहीं है, एक हमारे मकान मालिक का है। सो उसको ना सिलेंडर वाले को मैंने गलती से दे दिया, उसने बोला मैडम ये वाला नहीं ये वाला चलेगा। सो फ्रेंड्स मैं फ्रेश हो गई, मैंने सोचा किचन क्लीन बाद में करूँगी यार, अंधेरा हो रहा है और रात से इतना परेशान कर रहा है ना लाइट ने। चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर दिखाती हूँ मैं मॉल से क्या क्या लेके आई। और मेरा फ़ोन बंद हो गया था ना अश्विन जी, क्या बताऊँ आपको। वाह वाह, ये टेस्टी टेस्टी कौन खाएगा। और ये चटनी जो होती है ना इतनी अच्छी होती है ना, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अब हमारा हैरी ना एक्टिंग करने लगा है। हैरी कैसे, क्या जे ढोकला ढोकला पता है, जब हम रात को आए ना, रात को लाइट नहीं आ रही थी और थक इतना गए थे, आते ही हम सो गए। खाना वाना खा के विजय ने बोला मुझे खिचड़ी खानी है, मैंने खिचड़ी बनाई। आपका दोनों का जोन सा भी आ जाओ जल्दी करो। हैरी विशु अच्छा कि गंदा? आप है और मेरा बेटा, मेरा हैरी भी बहुत अच्छा है। जोर से बताओ चूता। और गंदा कौन है? हाय करना बेटा, तू भी अच्छा और रिचू भी अच्छा। तो गाइस लाइट आ गई है, मुझे ना माइके साहब 5 दिन हो गए, ये कपड़े मैंने वॉश कर दिए थे आप देख पाओगे ठीक है। एंड मैंने अभी बना डाला है खिचड़ी, क्योंकि तबीयत खराब है खिचड़ी बेस्ट रहती है यार। एंड यहाँ पे मैंने आप देखो बेडशीट बिछा रखी थी वो भी धो दी है, पूरा का पूरा कपड़े धो के डाल दिए हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक। मशीन ख़राब हो चुकी है, इसमें से ये वाला पानी भी लीकेज हो रहा है, ये वाला भी हो रहा है। आई थिंक मुझे लगता है गर्मी बहुत है इसलिए फ्रिज का कंप्रेसर भी ख़राब हो गया और मशीन भी ख़राब हो गई, और मेरी हालत आप देखो इस गर्मी में भाई साहब। अलमारी में ही रख दिए थे, देखो दिखाती हूँ वो नए कपड़े, तो कोटद्वार वाले हैं जो मैं कोटद्वार वाले मॉल से लाई थी। एंड आप ये देखोगे ये लाई हूँ मैं विशु के लिए, प्राइस देखो आप इसका ये है। एंड मैक्स से लेके आ गए थे, एंड ये है लाइट भी चली गई, दोनों के लिए सेम लाई हूँ इस बार। ये देखो ये कपड़े मैं लेके आ गई हूँ। मेरा विश इतना समझदार है ना, मेरा बच्चा मेरा बाबू। चलो इनको रख देते हैं। अश्विन जी कौन सा व्लॉग देख रहे हो आप? अभी ना देखो ऐसे ही घुसाने पड़ रहे हैं क्योंकि अभी अलमीरा सेट करनी पड़ेगी। तो अभी व्लॉग को एंड करते हैं,
आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मेरे पसीने पे मत जाना, और जब मैं काजल लगाती हूँ तो मेरे डार्क सर्कल आ जाते हैं, इसलिए मैं काजल नहीं लगाती थी, पर मैंने कल लगा लिया। बाय बाय।